जैसे कि देख पा रहे गाइस, मेरा पास बजाज डिस्कवर बाइक 125 सीसी का बाइक है। इस बाइक में क्या खराबी है गाइस कि बाइक किक से स्टार्ट हो जाता है लेकिन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं गाइस। अभी ये एडमिशन ऑन है, अब आपको किक लगा के दिखाने वाला हूँ। इसमें देख सकते हैं गाइस, मतलब किक लगाने से स्टार्ट हो जाता है लेकिन सेल्फ ज़रा से भी काम नहीं कर रहे, देख सकते हैं गाइस, ज़रा से भी सेल्फ काम नहीं कर रहे। मतलब इसमें जो न्यूट्रल लाइट आना मांगता है लेकिन न्यूट्रल लाइट नहीं आ रहे है, देख सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे गाइस। जैसे कि देख सकते हैं, हमने आपको ये कवर खोलने के बाद ही बताने वाला हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर ने बहुत परेशान हो गया गाइस कि बाइक में सेल्फ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे। हमने आपको एक साइड से दिखाने वाला हूँ, पहले सीट को भी खोल लेता हूँ। अब आपको दिखाने वाला हूँ इसमें फ्यूज वगैरह सब सही है ना ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। ये तो फ्यूज मेरे को सही लग रहे हैं, चलो इसको लगा लेता हूँ, ये तो सही है। अब दूसरा वाला फ्यूज को आपको दिखाना पड़ेगा। इतना प्रॉब्लम आया गाइस कि आपको बहुत इंटरेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दूसरा वाला फ्यूज देखा भाई, ये रहा गाइस, ये तो डायरेक्ट करके रखा है। अब आपको इसको माफ करके दिखाने वाला हूँ कि इसलिए इसमें पावर नहीं जाते है। कुछ इस प्रकार से आपको मल्टीमीटर लेने का और एक एक साइड से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें आपको ओम पे सेट कर लेने का गाइस। देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से जहाँ पर शॉर्टिंग चेक करते हैं। अब मल्टीमीटर सही है कि नहीं दिखाना पड़ेगा आपको, देख सकते हैं गाइस मल्टीमीटर सही है। अभी हमने आपको पहले इसका ग्राउंड सही है कि नहीं दिखाने वाला हूँ, एक मिनट, ग्राउंड सही है गाइस, मीटर में दिखाऊँ, मतलब इसका ग्राउंड जो है बॉडी में लगाने से, ये देखो, मतलब इसका ग्राउंड सही है। और इसका बैटरी चार्ज आपको दिखाने वाला हूँ कितना इसमें चार्ज है, 20 पे सेट करना पड़ेगा आपको। अभी बैटरी में कितना पावर है देख सकते हैं गाइस, 12.99, मतलब इसका बैटरी भी सही है फिर भी इसमें पावर नहीं आता है। अब आपको जहाँ पर हमने सेट किया वहीं पर सेट करने वाला हूँ। अब आपको ये जो प्लस वाला वायर है इसी से आपको चेक करके बताने वाला हूँ, एक मिनट ज़रा। हमने आपको ये जो प्लस वाला वायर है इसी को कैसे माप लेने का, इधर से आपका जो एडमिशन स्विच है ये वायर गाइस देख सकते हैं, इसका नीचे सॉकेट होगा एक, ये देखो गाइस, ये जो वाइट वाला वायर है इसी में पावर आना मांगता है। अब आपको दिखाने वाला हूँ ये जो मल्टीमीटर है, अब आपको ये जो मल्टीमीटर है इसी को कुछ इस प्रकार से अटैच कर लेने का और एक वायर को आपको प्लस वाला वायर में लगाने का, देख सकते हैं इसमें हमने लगा दिया है। और एक वायर को आपको ये जो एडमिशन स्विच है इसका सॉकेट है, इसमें दो वायर है, ये जो वाइट वाला वायर है इसमें एक लगाने का। अभी इसमें बिंग बजना चाहिए, देखो गाइस इसमें अभी पावर नहीं आ रहा है गाइस, देख सकते हैं इसमें पावर ही नहीं आ रहा है। मतलब ये जो वायर है गाइस देख सकते हैं, ये जो वायर है इसका बीच में से किधर वायर कटा हुआ है, क्योंकि इसमें से प्लस वाला वायर है इसमें से पावर आना मांगता है लेकिन इसमें से अटैच नहीं है। क्योंकि गाइस जब भी आपको ये जो ओम पे सेट कर लेने का, अगर वायर अटैच रहेगा तो आपका इधर ऐसे बिंग बजेगा, लेकिन इसका अंदर से वायर कटा हुआ है इसलिए इसमें बिंग नहीं बजा। अब आपको दिखाने वाला हूँ इसमें एक्चुअली किधर से वायर कटा हुआ है, एक साइड से दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं गाइस इसमें तो मेरा भाई ने किधर अटैच करके रखा, लेकिन आपको ये देखो गाइस, ये देखो, अभी देखो ये वायर कभी से लगाए कैसे लगाया लेकिन अभी तक इसमें पावर नहीं है। अब आपको ये छील करके यहाँ से एक फ्यूज जैसा बनाने का, लेकिन इसमें से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपका वायर पूरा जल भी सकता है। ऐसे आपको पहले हमने कुछ ऐसे इस प्रकार से छील लेने का और इधर से आपको जोड़ ज्वाइन करके बताने वाला हूँ इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। अभी इसको मैंने अच्छा करके टेपिंग करेंगे, फिलहाल ऐसे रहने दो। अब आपको इसको मेजरमेंट दिखाने वाला हूँ इसमें पावर आता है कि नहीं, देख सकते हैं गाइस। और एक वायर को हमने प्लस वाला वायर में लगाया, देखो किधर भी लगाओ, इधर से भी लगाओ, इधर से भी लगाओ,
लेकिन हमने प्लस वाला वायर में लगाया और दूसरा वायर को आपको जो एडमिशन स्विच है कुछ इस प्रकार से लगा दिया हमने। ये देखो गाइस, मल्टीमीटर में देखा हो जाएगा। ये देखो गाइस, इसमें बराबर पावर आ चुका है, मतलब ये वायर ज्वाइन करने के बाद ही इसमें पावर आया। अब आपको एडमिशन दिखाने वाला हूँ, इसमें पावर आया कि नहीं देख सकते गाइस। अभी इसमें बराबर पावर आ चुका है, अब आपको सेल मार के दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं गाइस। मतलब इसका वायरिंग में प्रॉब्लम था गाइस, क्योंकि किसी भाई ने ऐसे टेप करके रखा लेकिन इसमें बराबर जॉइन नहीं किया, इसलिए अभी बाइक जब भी जूना होगा तो उसी को बढ़िया करके आपको इधर से भी वायर कटा हुआ रहेगा तो बढ़िया करके आपको टेपिंग करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह प्रॉब्लम आता रहेगा गाइस। हमने आपको मेरे से जितना जानकारी था उतना दे दिया है गाइस। इसी तरह टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।